इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम साइंस कॉलेज ग्राउंड पर किया जा रहा है। इस स्टील एक्सपो में देश भर से 125 से भी अधिक कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो स्टील इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्रीज, सीमेंट और माइनिंग और हेवी इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स, प्लांट्स लगते हैं, जो मशीनरीज लगती है उसके अपग्रेडेशन के लिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फील्ड में आ रही है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र छत्तीसगढ़, रायपुर और इसके आसपास के में जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, पावर इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको बड़ा ही इससे फ़ायदा होगा। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने इंडस्ट्री से अधिक लोगों को यहाँ भेजिए। अपने यहाँ के जो वर्क्स मैनेजर है, जो मैनेजर्स है, जो टेक्निकल स्टाफ है, ख़ासतौर पर इन लोगों को अगर विजिट करने के लिए इस एग्जीबिशन में भेजते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे और देख कर जाएंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंडस्ट्री में उपयोग की जा सकती है। तो ये लोग इसका उपयोग करेंगे अपने इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है। पिछले 9 साल से लगातार प्रयत्न किया जा रहा है, इंदौर इन्फोलाइन और उल्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा जॉइंटली इस आयोजन को किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में पूरे देश भर से हजारों लोग आते हैं जो हेवी इंडस्ट्रीज और स्टील से रिलेटेड लोग हैं, प्लस जो विदेशों से भी कई लोग आते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, बांग्लादेश है, अमेरिका है, इन बेल्जियम है, इन देशों से भी लोग आकर इस एग्जीबिशन को विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एक रायपुर और छत्तीसगढ़ का एक जो महत्व है इस एग्जीबिशन के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। डेली न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।